हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खास तस्वीरें दिखाते हैं। 29-30 अगस्त को एसएफएफ के जवानों ने चीनी सेना को पेंगोंग में पटकनी दी थी, जिसके बाद सीमा की सुरक्षा के लिए एसएफएफ के और जवानों को बॉर्डर की ओर रवाना किया जा रहा है। ये शिमला से तस्वीरें, नई तस्वीरें आई हैं, जहां आम जनता ने सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर हाथों में तिरंगा लेकर एसएफएफ जवानों का स्वागत किया। ये उत्साह बढ़ाने की कोशिश आम नागरिकों की। बिल्कुल शोभना, और देखिए भारत माता की जय के जब नारे लग रहे हैं तो पूरा जो है आसमान कैसे गूंज रहा है। ये सभी जवान हिमालय क्षेत्र में स्पीति में चीन से लगती सीमा पर तैनात होंगे। ये देखिए गगनभेदी नारे, जिसके बाद जो है कोई भी दुश्मन है उसके हौसले पस्त होंगे, उसका कलेजा हिल जाएगा। आप देख सकते हैं उत्साह हमारे सिविलियंस का, हमारे आम नागरिकों का। जब वर्दी उतरती है, जब उसके बूट कदम ताल करते हैं, तो उसके बाद हौसला बनता है, बढ़ता है, और ये आवाज निकलती है जिससे दुश्मन भी थर्राता है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है सुरक्षा का। बिल्कुल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान इस समय निकल चुके हैं और इस स्पेशल फोर्स में ज्यादातर जवान तिब्बती समुदाय के होते हैं, लिहाजा इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद लोगों में तिब्बती समुदाय के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल हैं। और शोभना, खास बात है तिब्बती बच्चे और महिला और बुजुर्ग हैं। समझिए चीन को लेकर जो चीन के जो आक्रांता जो नीति है, जो उसकी साम्राज्यवादी नीति है, उससे जो त्रस्त जो समाज है उसके लोग आए हैं किस तरीके से यहाँ पर। और तिब्बती समुदाय के लोगों ने कहा कि चीन की नापाक हरकतें हमेशा से देश के लिए खतरा रही है, लेकिन अब मौका आया है कि भारत सहित दुनिया चीन के फरेब को जवाब दे।